ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। संदिग्ध कार को रुकवा कर ली तलाशी तो बरामद हुआ सोने का जखीरा। 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के 2 किलो 788 ग्राम के जेवर जब्त। अल सुबह फतेह सागर पहुंचे संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर। सफाई व्यवस्था बेहतर करने के साथ एक्टिविटी जोन विकसित करने के दिए निर्देश। और चुनाव के मद्देनजर सख्ती के चलते 3000 लीटर महुआ वॉश नष्ट, 30 लीटर शराब जब्त कर मामला किया दर्ज, आरोपी फरार। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के तहत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के चलते आए दिन बड़ी मात्रा में नकदी, जेवरात एवं शराब आदि पकड़े जा रहे हैं और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए कीमती संदिग्ध सोने के जेवरात भी जब्त किए हैं। गंगराड़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 किलो 788 ग्राम सोना जब्त किया है। गंगराड़ पुलिस ने हाईवे रोड टोल प्लाजा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों पर निगरानी एवं संदिग्ध राशि व सामग्री की धरपकड़ के लिए एसपी बुगलाल मीणा व डीएसपी गंगरार श्रवणदास संत के सुपरविजन में थानाधिकारी गंगरार रूप सिंह के नेतृत्व में हाईवे रोड स्थित जोजरों का खेड़ा टोल प्लाजा पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान चित्तौड़ की तरफ से एक मारुति इको कार आई जिसमें 2 व्यक्ति नारायण रणजीत सिंह बैठे हुए थे। वाहन में संदिग्ध सामग्री होने की आशंका पर तलाशी ली गई तो डिग्गी में रखे एक बैग में अलग अलग पैकेट बने हुए मिले जिनमें 2 किलो 788 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए जिनका बाजार भाव करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट एवं जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यूआईटी और नगर निगम टीम के साथ फतेह सागर की पाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काले किवाड़ से मुख्य पाल तक की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बम्बैया बाजार में वीकेंड पर पर्यटकों की रेलम पेल के मद्देनजर सफाई व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बंदोबस्त किए जाने के निर्देश भी दिए। शुक्रवार सुबह फतेह सागर की पाल का दौरा करने पहुंचे संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने झील के आसपास की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने दुकानों की नंबरिंग करने, डस्टबिन लगवाने, मुख्य पाल पर प्रसाधन सुविधाओं को और बेहतर बनाने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने मुख्य पाल पर फिश एक्वेरियम से आगे बंद पड़े फंवारों के स्थल पर एक्टिविटी जोन विकसित करने के निर्देश भी दिए ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सके। उनके साथ यूआईटी सचिव राजेश जोशी, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल राडाजी चौराया। चुनावों को देखते हुए पुलिस द्वारा बढ़ती जा रही सख्ती के तहत आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3000 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया गया एवं 30 लीटर महुआ शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना पुलिस द्वारा की गई। वृत्ताधिकारी सागवाड़ा विक्रम सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ हेतु वर्धा थाना अधिकारी लाल सिंह अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र के मोजा सज्जनपुरा के मोरन नदी के तट पर दबिश देकर कार्रवाई करने पहुंचे जहां 3000 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया गया तथा श्री जीवा पिता शंकर रोत मीणा निवासी सज्जनपुरा पुलिस थाना वर्धा जिला डूंगरपुर के खिलाफ आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर 30 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। आरोपी जीवा मौके से फरार हो गया।
विधानसभा चुनाव के तहत आमेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार में सवार दो व्यक्तियों से कुल 4,46,880 रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात्रि को आमेट थानाधिकारी हनुमंत सिंह एवं एफएस टीम के द्वारा आसन तिराह पर नाकाबंदी के दौरान मारुति कंपनी की ब्रीजा कार DL2FAQ0024 को देवगढ़ की ओर से आते समय रुकवाया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। इनके पास नकदी मौजूद थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा रुकवाई गई कार के चालक ने अपना परिचय दहली कुम्यान के पास लादोसायरा निवासी राहुल चौधरी के रूप में दिया, जबकि दूसरे ने बताया कि नई दिल्ली के पीतमपुरा स्थित बेस्ट एनक्लेव के जय शिव अपार्टमेंट में रहने वाला मुकेश शर्मा। पुलिस ने कार को चौक किया तो एक भूरे रंग का बैग दिखाई दिया, जिसमें कुल 4,46,880 रुपए भरे हुए पाए गए। उक्त राशि के संबंध में कार चालक व सवार से पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर धारा 102 CRPC में जब्त कर RO विधानसभा क्षेत्र कुंभलगढ़ एवं उपखंड मजिस्ट्रेट आमेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय राजसमंद के द्वारा समस्त थानाधिकारी को विशेष नाकाबंदी करने के निर्देश दिए हैं। इसी नाकाबंदी के दौरान आसन तिराए पर आमेर थाना पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी तो देवगढ़ तरफ से एक DL रजिस्ट्रेशन नंबर की कार आती नजर आई, जिसको हमने रुकवाया, चेक किया तो कार में दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें एक का नाम राहुल चौधरी था, दूसरे का नाम मुकेश शर्मा, जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं। वो कार को चेक किया तो कार के अंदर 4,46,880 रुपए की नकदी बैग में भरी हुई मिली है। उस नकदी के बारे में दोनों सवारों द्वारा पूछताछ की, मगर उनके द्वारा कोई ऐसा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। चूंकि संदिग्ध राशि थी, इसलिए हमने इसको जब्त किया है। इस मामले में चुनाव से जुड़े सभी अधिकारीगण को सूचित किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संदिग्ध कार को रुकवा कर ली तलाशी तो बरामद हुआ सोने का जखीरा, 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के 2 किलो 788 ग्राम के जेवर जब्त। अल सुबह फतेह सागर पहुंचे संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर, सफाई व्यवस्था बेहतर करने के साथ एक्टिविटी जोन विकसित करने के दिए निर्देश। और चुनाव के मद्देनजर सख्ती के चलते 3,000 लीटर महुआ वॉश नष्ट, 30 लीटर शराब जब्त कर मामला किया दर्ज, आरोपी फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए News 91 पर। नमस्कार, ये है चैनल 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91। News 91, आवाज हम सबकी।